हेलो गाइस, तो सभी का स्वागत है वीके फैमिली में। आज की जो अपनी क्लास है वो है स्पीयर के बारे में, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे डायरेक्टली स्पीयर 3D मॉडलिंग में, तो उसे देखने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पीयर ऑप्शन है, जस्ट इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए, यहाँ पर देखिए सेंटर पॉइंट पूछ रहा है अपन को, तो मैं सेंटर पॉइंट देता हूँ और इसका रेडियस जितना भी है डायरेक्टली भी दे सकता हूँ, ये देखिए फ्री हैंडली। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 एंटर कर देता हूँ। तो देखिए 10 रेडियस का अपन को एक स्पीयर अपन को मिल चुका है। ओके, चाहिए तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको भी आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, जो स्पीयर है अपना उस पर जाकर क्लिक करिएगा, यहाँ पर ये देखिए एरो, इस पर क्लिक कर इसको ऊपर नीचे जितना भी है, ठीक है, कर सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंडली देखिए, मैं यहाँ पर स्पीयर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट और 3 पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ और फर्स्ट पॉइंट देता हूँ और सेकेंड पॉइंट देता हूँ, ये देखिए सिंपल है। अगला जो दें 3 पॉइंट लेते हैं अपन, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया एंड थर्ड पॉइंट दिया। ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दो लाइंस हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर दो लाइंस क्रिएट करता हूँ। ओके, जैसे कि मुझे इन दोनों के बीच में ये वाला स्पीयर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्पीयर ऑप्शन पे जाऊँगा, 2 पॉइंट वाला लूँगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दिया, तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक स्पीयर आ गया। एक और ऑप्शन है 3 पॉइंट वाला, उसमें क्या होगा, 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स की जरूरत नहीं, कोई 3 पॉइंट्स है वहाँ पर स्पीयर देना है, अपन को पता है वो 3 पॉइंट्स, तो आप उधर भी डायरेक्टली दे सकते हैं। सो स्पीयर के लिए बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।